टॉपिक है हमारा कि गर्मी के दिनों में मोटर जो है पानी नहीं उठाता है, उसके लिए हम क्या करें। तो यहाँ पे आपको सारा वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये है 170 फीट चापाकल जो कि ज़मीन के अंदर हला हुआ है 170 फीट। इसका यहाँ पे मोटर लगा था और ये बिल्कुल पानी नहीं उठा रहा है मोटर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यही वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि गर्मी के दिनों में जो है लेयर आपका नीचे चला जाता है और उसके चलते मोटर पानी उठाना बंद कर देता है। तो ये इसका क्या उपाय है और कैसे जो है घर में पानी मिले, इसके लिए मैं ये वीडियो को डाल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा तभी जो है आपको समझ में आएगा। अगर भगा के देखते हैं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले यहाँ काम करता हूँ, फ्लेंच एक लेता हूँ और फ्लेंच लेने के बाद जो है आपका मोटर का जो आउटलेट पानी है ना, जो आपका फेंकता है टंकी में जाता है, यहाँ से हमने मोटर खोला है और इसमें एक फ्लेंच लगाऊंगा जो कि आपका पानी जाता है टंकी में, उसमें एक फ्लेंच मुझे लगाना है ताकि इसी से जो है ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे जो है आपका मोटर के आउटलेट में हम यहाँ एक फ्लेंच देते हैं और उसके नीचे एक MTA देते हैं ताकि इसी में कनेक्शन हो के हमारा जो है दूसरा कल में कनेक्शन हो सके और पानी जो है आपका टंकी में जा सके। और नीचे वाला जो है ना, ये फ्लेंच छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे मोटर था। और बिल्कुल यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा और सारा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। जब तक मैं वायरिंग कर रहा हूँ कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि 170-180 फीट यानी 200 तक का जो चापाकल होता है उसका लेयर नीचे चला जाता है, लेकिन 40 फीट जो कल हलता है ना वो उसका लेयर नहीं जाता है, उसका लेयर ठीक ठाक होता है जिसके चलते हमारा मोटर पानी उठा लेता है। लेकिन लोगों के दिमाग में यही घूमता है कि ज़्यादा अंदर जो चापाकल है उसका लेयर नहीं भगना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 40 फीट का लेयर हमारा ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, लेकिन 170-180 यानी 200 फीट का पानी का लेयर जो है नीचे चला जाता है। इसके चलते हमें परेशानी होता है और मोटर जो है पानी नहीं उठा पाता है। तो इसमें जो है हम 40 फीट एक कल हला हुआ है उसमें इसका कनेक्शन देते हैं। जब तक वायरिंग होता है सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ और वीडियो में बने रहिएगा तो ही जानकारी आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको सारा वायरिंग करके बता दूंगा और बिल्कुल आप भी ऐसा ही करें अगर आपके एरिया में भी पानी नहीं उठा रहा है मोटर। तो यहाँ पे सारा चीज़ जो है दिखा रहा हूँ कैसे जो है कनेक्शन। ज़्यादातर मैं 45 का इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हमारा प्रेशर टूटे नहीं। तो यहाँ हो गया है कंप्लीट और ये है आपका 170 फीट कल जो कि लेयर इसका भग चुका है और चलाने पे चापाकल में पानी ही नहीं आ रहा है। जब चापाकल में पानी नहीं आएगा तो मोटर हमारा कहाँ से पानी उठाएगा। तो यहाँ पे एक हला हुआ है 40 फीट कल और यहाँ बेडरूम में मोटर मैंने लगाया है और यहाँ से पाइप बेडरूम से ले जाके आपको यहाँ पे कनेक्शन किया हूँ। और यहाँ पे 40 फीट कल हला है और 40 फीट में जो है हमने सेक्शन गिराया है। 40 फीट सेक्शन में आप 35 फीट सेक्शन गिरा दीजिए और फिर यहाँ पे जो है टेप मार के फिर हमने ऊपर में उठाया है। ऊपर में उठा के फिर एक चेक बॉल दिया हूँ और चेक बॉल के जगह आप अंदर में रॉकेट चेक बॉल भी दे सकते हैं। और रॉकेट चेक बॉल देखने के लिए आप नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं कि वो कैसे होता है। बाकी यहाँ जो तीर का निशान है मोटर के तरफ होता है, चेक बॉल में जो भी चेक बॉल लगाएं मोटर के तरफ तीर का निशान रखें। और इस फ्लेक्सिबल पाइप से पहले हमारा पानी जा रहा था लेकिन ये बीच से टूट जा रहा था और ये होल है, यहीं से निकाल के मैं फ्लेक्सिबल पाइप से जो है पानी दे रहा था टंकी में, लेकिन ये बार बार टूटने के वजह से बहुत परेशानी हुई और बाद में मुझे यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ा। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो को कि कैसे जो है काम यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे बेडरूम में ये जो मोटर लगा हुआ है यहाँ चालू करके आपको दिखाते हैं। तो बिल्कुल ही ये जो है आपका पानी उठा रहा है मोटर, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है हमारा पंप, जो पानी उठाने का पंप है ना वो ठंडा हो चुका है। और ले चलते हैं आपको दिखाते हैं कि पानी हमारा फ्रेश वाटर में दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके लिए मैं एक फ्रेश वाटर का पानी यहाँ पे लगा हुआ है
उसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे पानी हमारा दे रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा ये पानी देने लगा, तो जाहिर सी बात है इसे बंद करेंगे तो ऊपर भी जाएगा, तो इसको बंद कर देते हैं और ऊपर लेके चलते हैं आपको टंकी के पास। उसमें थोड़ा चेक करते हैं कि कितना प्रेशर में हमारा जो है पानी आ रहा है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज हम प्लम्बर को फ्लो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल हर MST पे है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी ये फ्लेक्सिबल पाइप से जो है पानी टंकी में भर रहा था और ये टूट जा रहा था बार बार, इसके चलते मुझे यहाँ कनेक्शन करना पड़ा। बिल्कुल यहाँ पे जो है टंकी में पानी आ रहा है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए देते रहूँगा। तो मेरे हर MST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज हम प्लम्बर को फॉलो कर लीजिएगा। तभी ये लेयर का दिक्कत 3 महीने तक बना रहता है, मई जून जुलाई तक बना रहता है। जब तक लेयर हमारा नहीं आता है तब तक मोटर 40 फीट वाले चापाकल में हमारा रहता है, और जब लेयर आ जाता है बरसात होने के बाद यानी पानी होने के बाद, तो ये मोटर हमारा जो है 170 फीट वाले चापाकल में चला जाता है और वही पानी उठाने लगता है। बाकी जो भी वायरिंग ये फॉल्स हुआ है इसको निकाल दिया जाता है, नेक्स्ट सीजन में इसको फिर उपयोग किया जाता है। बाकी ये 170 फीट जो है ना ये जुलाई के बाद पानी उठाने लगेगा और इसी में जो है मोटर यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।